हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो है कांजी के बारे में। वैसे कांजी पे वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान था नहीं, पर कुछ ऐसे कमेंट्स देख के मैंने सोचा कि अब तो कांजी पे वीडियो बनानी ही पड़ेगी। वैसे मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, जॉब की वजह से प्रोग्रामिंग करती रहती हूँ, तो सिर्फ सैटरडे संडे ही मिल पाता है मुझे। तो ऐसे कमेंट्स देख के मोटिवेशन मिलती है कि सैटरडे संडे रेस्ट ना करके आप लोगों के लिए कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ नॉलेजेबल कंटेंट शूट कर लिया जाए। तो आज कांजी पे मैंने सोचा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम कांजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जानेंगे। तो अगर आपको कहीं कहीं पे लगता है कि ये कांजी कहाँ से आ गई या क्या है ये कांजी, तो इट्स ओके। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है और हम कांजी के बारे में आज जानेंगे कि वो है क्या। आगे आने वाली वीडियोस में हम कांजी लिखना शुरू करेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हाजी मैम आशो। सबसे पहले कांजी की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो अभी तो ये जापानीज में लिखने की थर्ड स्क्रिप्ट है हीरागाना और काताकाना के बाद, पर इसका मतलब क्या है और ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो ये इसका मतलब है चाइनीज कैरेक्टर्स। और काफी साल पहले जापान के पास जब अपनी खुद की कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो चाइना से ओरिजिनेट हुई और जापान में आई। तो जैसे कि इंडिया में काफी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो कि हम मानते हैं कि संस्कृत से निकल के आई हैं या संस्कृत उनका बेसिस है, ऐसे ही कई स्क्रिप्ट जो है, जैसे जापानीज हो गई या कोरियन हो गई, ऐसे ईस्ट एशिया की काफी स्क्रिप्ट्स हैं जो चाइना की स्क्रिप्ट से निकल के आई हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई भी चीज माइग्रेट होती है या दूसरी कंट्री या दूसरे रीजन से आती है, तो ऑब्वियसली सेम एज इट इज तो नहीं रहती, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि अब जो जापानीज में कांजी हम लिखते हैं वो एज इट इज चाइनीज की साउंड्स तो नहीं है, उसको उसकी साउंड्स या उसके बोलने का तरीका या लिखने का तरीका थोड़ा सा जापानियों के हिसाब से भी चेंज हुआ और आज उसी मॉडिफाइड कांजी को जापानीज लोग अपनी थर्ड स्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं। सेकंड पॉइंट जो है कांजी के बारे में, ऐसा बोला जाता है कि जितनी भी कांजियां हैं, कितनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, तो जितनी भी कांजियां हैं उनकी जो 4% कांजीज जो है वो जो जब लिखी जाती हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं वो जैसे वो जिसके बारे में लिखी जा रही हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे माउंटेन या पहाड़ की कांजी जो है वो कुछ ऐसी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप दिमाग में पिक्टोरियली सोचें तो कुछ माउंटेन इस तरीके का दिखता है और उसकी कांजी भी उसी की तरह ही दिखती है। ऐसे ही एक और देखते हैं हम रिवर या नदी, हम जिसको बोलते हैं, तो नदी भी कुछ हम जब छोटे थे तो कुछ इस तरीके से बनाया करते थे और उसकी कांजी जो है वो कुछ इस तरीके की है। तो कांजीज जो है वो पिक्टोरियली ओरिजिनेट होके आई हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जिनके बारे में हम कांजी लिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ 4% कांजीज हैं जिन्हें आप दिमाग में सोच सकते हो और कुछ ऐसे वो दिखती हैं, पर आपको एक इनिशियल पुश देने के लिए या कह लो N5 में 8-10 कांजीज के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, पर जब हजारों में कांजीज आप पढ़ने लगेंगे तो आपको पिक्टोरियली याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप जापानीज लोगों से, बच्चों से पूछोगे, छोटे बच्चों से मैंने पूछा कि आप कांजीज कैसे सीखते हैं जो आप इतना अच्छा लिखते हैं, तो वो ये नहीं बताएंगे आपको कि हमने पिक्टोरियली याद की कि ऐसे दिखती है तो ये कांजी ऐसे हुई। उन्होंने वर्कशीट में प्रैक्टिस करी जैसे हम ABCD की प्रैक्टिस करते हैं और आज वो भूले नहीं है, लिख पाते हैं। तो आप लोगों को मैं इनिशियली तो बताऊंगी कि पिक्टोरियली अपने दिमाग में आप कैसे सोच सकते हैं किसकी कांजी क्या है, बट बाद में आपको खुद ही कांजीज की प्रैक्टिस जितना आप लिख सकोगे उतनी आपको करनी है प्रैक्टिस। आपका क्वेश्चन होगा कि टोटल कांजीज हैं कितनी, तो कांजीज का जो नंबर है वो आज तक भी फिक्स नहीं है कि कितनी कांजीज हैं, बट ऐसा बोला जाता है कि अराउंड वो 50,000 से भी ऊपर है कांजीज, मतलब 50,000 से भी ऊपर, लाखों में भी हो सकती हैं कांजीज, अभी उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो आप सोचेंगे कि क्या हमें ये सारी याद करनी है, तो नहीं, जापानियों को भी 3,000 to 4,000 कांजीज याद होती हैं। तो अगर आपको 3,000 to 4,000 कांजीज आती हैं तो जापान में आपका काम आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, अब हम JLPT के हिसाब से देखते हैं, तो JLPT में N5 से N1 तक हमें टोटल 2,000 to 2,500 कांजीज पढ़ाई जाती हैं। तो अभी मुझे अराउंड 1,600 to 1,700 कांजीज मैंने जैसे पढ़ ली है, तो मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम जापान में नहीं आती है, ऑलमोस्ट मेरा काम हो ही जाता है।
पर ऑब्वियसली उसके बाहर भी आ जाती हैं, तो मैं ऐप वगैरह पे चेक कर लेती हूँ। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी ऐप बेस्ट है इसके लिए। तो अभी हम N5 की बात कर रहे हैं, तो N5 में देख लेते हैं कि कितनी कांजीज हैं। टोटल 100 to 120 कांजीज हैं। इसका भी कोई सेट नंबर नहीं है कि इतनी ही है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप 120 कांजीज तक पढ़ के जाएं, वरना जैसे मैं जब बहुत टाइम पहले मैंने जब N5 दिया था तो मैं कुछ 100 कांजीज पढ़ के गई थी, तो वो एनफ मुझे नहीं लगी। 10-20 कांजीज और पढ़ लेती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। तो अराउंड 120 का आप टारगेट रखें कांजीज का N5 के लिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जब 3,000 to 4,000 कांजीज में हम न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं आराम से, साइन बोर्ड्स पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो 50,000 कांजीज का काम क्या है? इतनी सारी कांजीज हैं क्यों? क्या यूज नहीं करते इसको? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इंडिया में मेरे पास साइंस थी, तो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था प्रोपाइन, इथीन, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स मैंने पढ़े थे। तो जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्स के बच्चे को पता हो, जिंदगी में शायद वो कभी यूज भी ना करे। ऐसे ही कॉमर्स के बच्चे ने कभी कुछ बैलेंस शीट या डेबिट क्रेडिट, मुझे नहीं पता, जो भी उसने पढ़ा होगा शायद मेरी लाइफ में वो कभी काम ना आए। तो ऐसे ही जो जापान में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जिस एक सेट ऑफ कांजीज यूज करते हैं वो शायद कभी किसी कंप्यूटर इंजीनियर के जिंदगी में यूज ही ना हो वो वाली कांजीज। सिमिलरली कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में है तो वो जिस तरीके की कांजीज यूज करेगा शायद डॉक्टर पूरी जिंदगी में वो कांजीज यूज ही ना करें। तो जो 50,000 कांजीज हैं 3,000 to 4,000 कांजीज के अलावा, वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में यूज की जाती हैं। पर ये जो 3,000 to 4,000 कांजीज हैं ये जनरल पब्लिक के लिए है, जनरली आपको आनी ही चाहिए ताकि आप साइन बोर्ड्स और न्यूज़पेपर्स या टीवी वगैरह देख पाओ और समझ पाओ। तो इतने का टारगेट तो आप रखें ही, और इतना भी नहीं रख रहे हैं तो N1 के हिसाब से 2,000 कांजीज अगर आपको आती हैं तो मेरे हिसाब से वो मोर देन एनफ है आपके लिए। बाकी आप आगे जाके जिस भी फील्ड में जाते हैं, जापान में जॉब करने का सोच रहे हैं, कंप्यूटर्स में जाएंगे जैसे, तो वहां पर आपको अपने आप वो कांजीज नई नई पता चलती जाएंगी, वो आप जिंदगी भर सीख सकते हैं, उस सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। तो अब कांजी की थोड़ी डिटेल में जाते हैं। तो एक कांजी को पढ़ने के, बोलने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, फिर भी दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया जाता है, कुनियोमी एंड ओनियोमी, यानी कि जापानीज रीडिंग एंड चाइनीज रीडिंग। कुनियोमी है कि जापानी लोग उसे कैसे रीड करेंगे, और ओनियोमी जो है उसे चाइनीज लोग कैसे रीड किया करते थे, या अब जापान में आ गई हैं कांजीज तो थोड़ा बहुत वो भी मॉडिफाई, चाइनीज रीडिंग भी मॉडिफाई हुई होंगी। पर मेनली आपको ये याद रखना है कि दो तरीके की पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, एक है कुनियोमी और एक है ओनियोमी, यानी कि जापानीज रीडिंग और चाइनीज रीडिंग। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कांजी दिख रही होगी, तो ये सन की कांजी है, सूरज सन की कांजी है, तो इसको हम ही भी पढ़ते हैं, निची भी पढ़ते हैं, जित्सु भी पढ़ते हैं। तो आप जब इस कांजी को देखोगे तो आप कैसे, कब, क्या पढ़ोगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसका कोई सेट रूल नहीं है, जितनी रीडिंग आप करोगे, जितनी बुक्स आप रीड करोगे, आपको पता चलता जाएगा कि कब कहाँ पढ़ना इसको बनता है। फिर भी मैं आपको एक थंब रूल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे कांजीज बहुत पसंद है। सब कहते हैं कि हीरागाना और काताकाना से काम चल तो जाता है, सब कुछ लिख सकते हैं, तो फिर कांजीज की जरूरत क्या है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कांजी की जापानीज में सिग्निफिकेंस क्या है और एडवांटेज क्या है। तो अब जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, आप लिखिए कामी, हिरागाना में लिखो कामी। कामी का मतलब होता है हेयर्स, और कामी का दूसरा मतलब होता है पेपर। तो कामी का मतलब हेयर्स भी है, पेपर भी है। तो हिरागाना में जब आप लिख रहे हो तो कामी को कुछ इस तरीके से ही लिखा जाएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पर अगर आप इसके कांजी पे नजर डालते हो तो आपको पता चलता है कि कांजी दोनों की अलग अलग है। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर की कांजी है या ये बालों की कांजी है। तो अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, हाशी का। तो हाशी का एक मतलब होता है ब्रिज, और हाशी का दूसरा मतलब होता है चॉपस्टिक्स। तो अब जब आपको मैं बोलूंगी हीरागाना में लिखो, तो हाशी को कुछ आप ऐसे ही लिखोगे हीरागाना में, पर कांजी जब हम इन दोनों की देखते हैं तो फिर अलग अलग है। तो यहाँ पर कांजी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है कि दो अलग अलग मीनिंग्स के वर्ड्स हैं, तो उनको आप अगर आप कांजी में लिखते हो तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। मुझे तो कांजी लिखना बहुत अच्छा लगता है।
एक बात आपको और बताती हूँ कि जब भी कांजी लिखते हैं और नहीं पढ़ना आ रहा है आपको, तो कहीं कहीं पे आपको मुश्किल कांजी के ऊपर हीरागाना में भी लिखा हुआ मिलता है। तो उस हीरागाना को जो कांजी के ऊपर लिखी जाती है उसे हम कहते हैं फुरीगाना, फुरीगाना कहते हैं उसको, और वो हमारी लाइफ को काफी इजी बना देती है। अब जेएलपीटी N5 की मैं बात करूं, तो N5 में जो N5 के आगे के लेवल्स की कांजीज लिखी हुई आएंगी उसके ऊपर फुरीगाना लिखी हुई होती है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आ गई कांजी, उसके ऊपर हीरागाना लिखा होगा, तो आप हीरागाना को पढ़ के उस वर्ड को समझ सकते हो। बट ऑब्वियसली जो N5 की कांजीज हैं उनके ऊपर फुरीगाना नहीं लिखी होगी, तो वो तो ऑब्वियसली आपको 100-120 जितने भी कांजीज हैं वो आपको प्रिपेयर करके पढ़ के जाना पड़ेगा N5 देने के लिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि 4% कांजीज जो होती हैं वो पिक्टोरियली आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि इस तरीके से ये बनी होंगी। इसके बाद की जो कांजीज हैं, यानी कि जो मुश्किल होती जाती हैं कांजीज, बाकी की जो कांजीज हैं 4% के अलावा, उन्हें हम कंपाउंड कांजीज कहते हैं। तो कंपाउंड कांजीज जो हैं वो इन बेसिक कांजीज को ही मिक्स करके या उसका बेसिस ही है जो उन कांजीज को बनाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये कांजी जो है ये ही की कांजी है, जैसे मैंने अभी बताया सन की कांजी है, और ये जो कांजी है ये मून की कांजी है, मून चांद जिसको हम बोलते हैं। सन और मून की कांजी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक कांजी मैं आपको बताती हूँ ब्राइट की। ब्राइट की कांजी कुछ ऐसे दिखती है, जिसे हम कहते हैं आकारू, एक ही वर्ड है ये ब्राइट जिसे हम कहते हैं, पर आप देख रहे हैं कि सन और मून मिल गए तो ब्राइट की कांजी बन गई। तो इसको कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम कि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राइट जो दो स्टार्स हैं, दो सितारे हैं, वो है सन और मून। तो ब्राइट की कांजी कुछ इस तरीके से, कंपाउंड कांजी है ये, कुछ इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि अच्छा ये ब्राइट की कांजी है तो सन और मून के क्लब हो गई, तो ये कंपाउंड कांजी है। तो पुराने जमाने में कुछ इस तरीके से जब कांजीज बन रही होंगी तो कुछ इस तरीके से दिमाग लगाया गया होगा कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक कांजीज, फिर उसके बाद जैसे जैसे मुश्किल होती चली जाती हैं N3, N2, N1 में, तो वो कंपाउंड कांजीज हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट, कांजीज को हीरागाना और काताकाना के साथ मिक्स करके लिखा जाता है। तो अभी मैंने बताया माउंटेन की कांजी, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं यामा दिस। यामा जो है वो कांजी है और दिस जो है वो हीरागाना में लिखा हुआ है, यामा है ये। तो इस तरीके से आप कांजीज को हीरागाना और काताकाना के साथ मिक्स करके लिखते हैं। पर जो चाइना में कांजीज होती हैं वो पूरी कांजीज ही होती हैं, सब कांजीज की ही स्क्रिप्ट है उनकी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था कांजी के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में हम लिखना शुरू करेंगे कि कांजीज को आप कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपके लिए आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा, और अगर यूजफुल रहा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और कहीं पर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसी वीडियो से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।